क्या घटना बिहार विधानसभा में बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और अब से कुछ देर बाद बजट पेश होना है, लेकिन हमारे साथ महबूब आलम हैं जो कि मालिक के विधायक दल के नेता हैं। आपका सवाल था मॉब लिंचिंग को लेकर, क्या मॉब लिंचिंग एंटी मॉब लिंचिंग एक्ट बने, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट बने और मॉब लिंचिंग पर व्यापक बहस विमर्श हो और मुसलमानों के खिलाफ जो उस विधायक ने नफरत भरा बयान दिया है, नागरिकता छीनने का बयान दिया है, दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का जो बयान दिया है, इस सवाल पर हम लोगों ने आज कार्य स्थगन दिया। व्यापक विमर्श तो हुआ नहीं, अभी बहस हुई और सदन को स्थगित करना पड़ा और अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई होगी। ऐसी बातों की, ऐसे नफरत भरे बयान जारी करने का यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है और 1 बजे वो उस विधायक से मिलने तलब किए हैं, उनसे बात होगी, उसके बाद उनको माफ़ी मांगने की बात हो रही है। अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो फिर सदन और हम लोग अपनी मांग जोरदार ढंग से रखेंगे। यूक्रेन में फंसे छात्र को लेकर भी आपके दल के द्वारा सवाल खड़ा किया गया। बिल्कुल, यूक्रेन में फंसे हुए छात्र, हिंदुस्तान की सरकार भी उदासीन है और नीतीश कुमार की सरकार भी उदासीन है। बिल्कुल त्वरित कार्रवाई करके इमीडिएट उन छात्रों को मुफ्त में लाने का इंतजाम होना चाहिए, उनकी सुरक्षा की गारंटी करनी चाहिए। और आज बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है बजट से? बजट से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये नीतीश कुमार जी के पास कोई विजन नहीं है। अभी झूठी तस्वीर वो बिहार की पेश करना चाहते हैं, इसलिए इस बजट को देखा जाएगा, उसके बाद फिर हम बयान देंगे। चलिए, विधायक दल के नेता थे महबूब आलम। सवाल थे कि जिस तरीके से इन लोगों ने सवाल पूछा है और जो जिस तरीके से हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो बयान दिया है कि मुस्लिम को वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए, तो सदन में काफ़ी हंगामा किया इन लोगों ने। उसके बाद आज इसको लेकर अब बैठक बुलाया है विधानसभा अध्यक्ष ने, उसके बाद इस बैठक के बाद जो है वो कार्य जो जिस तरीके से सदन चल रहा है तो सदन को फिलहाल अभी स्थगित कर दिया गया है और बैठक होने के बाद सदन चलेगा, उसके बाद बजट पेश होना है और बजट में क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से लगातार विपक्ष के द्वारा इस सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, इन तमाम सवालों को लेकर जो लगातार विपक्ष है वो सवाल खड़ा कर रहा है और साथ ही साथ देखना ये है कि आखिरकार जो हरिभूषण ठाकुर का मामला सामने आया, जिन्होंने बयान दिया है और उस बयान को लेकर जो सियासत हो रही है, तो आखिरकार इसका क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा ये तो आने वाले वक्त में दिखेगा कि आखिरकार